सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्बाल ने हराबाग के रोपड़ी में लगभग 1,55,00,000 रुपए से बनने वाली सड़क का विधिवत भूमि पूजन किया। वहीं कुराड़ा गांव को 1,42,00,000 और गांव बल के लिए 2,02,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्बाल ने हराबाग के रोपड़ी में लगभग 1,55,00,000 रुपए से बनने वाली सड़क का विधिवत भूमि पूजन किया। वहीं कुराड़ा गांव को 1,42,00,000 और गांव बल के लिए 2,02,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इसे हिमाचल सरकार के द्वारा इस नेटवर्क को और बढ़ाया जा रहा है ताकि आम जन मानस तक यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। इसे हिमाचल सरकार के द्वारा प्रदेश के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाए, इसका प्रयास निरंतर जारी किया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शीली सलवाना सड़क को 9,00,000 की राशि स्वीकृत हो चुकी है, जिसका शीघ्र ही शिलान्यास किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने शिवा महिला मंडल रोपड़ी को भवन निर्माण के लिए 2,00,000 रुपए देने की घोषणा भी की। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान ने विधायक का शॉल व टोपी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। 3 सड़कें हमारी इसी पंचायत की, जिसके लिए 1,00,000,000 रुपए की राशि आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमारी इस सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की महिला पंचायत के लिए हमको ये सुविधा मिली है, जिसके लिए मैं एक बार पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, अपने इस इलाके की जनता की ओर से आदरणीय जयराम ठाकुर जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।